एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूटेट सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ बुद्धिस्ट वर्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ हरिवंशा। तो इसका करेक्ट आंसर है हरिवंशा एक बुद्धिस्ट वर्क नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आफ्टर विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो वॉइसरॉय बने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चार्टर एक्ट 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड लिथोस्फियर। ठीक है, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? देखो, लिथोस्फेयर कहते हैं द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल को, हम क्या कहते हैं लिथोस्फेयर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देख, जिसमें महाराष्ट्र से है और मिजोरम से भी गुजरता है और गुजरात से भी गुजरता है। तो किससे नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। और कमेंट बॉक्स में बताएं वो 8 राज्य कौन से हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पर हमारे डेमोग्राफिक स्टेटस दे रखा है और यहाँ पर स्टेट रैंक दे रखा है। तो ठीक है, देखो अगर ऑप्शन ए को देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपको मिलेगी? बिहार में। तो ठीक है, ऑप्शन अगर ऑप्शन को देखें तो ए का सेकंड सब में है। तो ठीक है, अब लिटरेसी रेट, अगर लिटरेसी रेट देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ हमें मिलती है लिटरेसी रेट? केरला में मिलती है। तो देखो, तीसरे का चौथा होना चाहिए, सी का चौथा होना चाहिए। अगर सी का चौथा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर हमें दिखा है, यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम इसको एलिमिनेट से भी कर सकते हैं ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसको कौन अपॉइंट करता है? और दैट इज़ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे किसको अपॉइंट कर किस किस को अपॉइंट करते हैं? कैग को अपॉइंट करते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। और गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट को भी क्या करते हैं जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो ठुमरी है किस राज्य का फोक म्यूजिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का क्या है, फोक म्यूजिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज, तो देखो हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 130। तो वन आर्टिकल 130 है और डील करता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो ठीक है, जो बिम्बिसार थे किस डायनेस्टी के किंग थे वो कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियंका डायनेस्टी के हमारे ये थे किंग थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इज, देखो इनमें से कौन सा हमारा एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है? अगर हम लाइसिन की बात करें तो ये हमारे क्या है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। और थ्रियोनाइन की बात करें, ये भी हमारे एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। और फिनाइल एलालाइन की बात करें तो ये भी हमारे क्या है, एक हमारे क्या एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रायोसिन। ट्रायोसिन हमारे एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब देखो हमारे टोटल 20 हमारे क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 हमारे एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको 10 नॉन एसेंशियल याद है तो आप इजिली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे नॉन एसेंशियल मैंने अमीनो एसिड लिखे हैं और उसकी एक ट्रिक है, गैस पे सीटी, गैस पे सीटी दो, गैस में जी सब जी से हमारे यहाँ पर तीन है, एक होता है ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन। तो ठीक है, और ए से भी हमारे यहाँ पर तीन है, एस्पेराजिन, एस्पार्टेट और एलानाइन, एलानाइन हो जाएगा। ठीक, और एस से देखो सेरिन हो जाएगा और पी से प्रोलाइन हो जाएगा और नाइन है सिस्टीन हो जाएगा और 10th है हमारा ट्रायोसिन।
तो देखो इसका करेक्ट आंसर भी हमारा ट्रायोसिन है। तो अगर आपको ये 10 के 10 याद हो गए तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशनिस्ट हु गॉट द द्रोणाचार्य अवार्ड। देखो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर करण सिंह, ये पहले फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एम ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग इज। तो सोशल स्टडी का एम क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर हेरिटेज बिल्कुल सही है, बिकमिंग अ गुड सिटीजन ये भी बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव फॉलोज। ठीक, ऑल ऑफ द फॉलोज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। जो लोएस्ट लेयर है एटमोसफेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर। मैंने आपको इसके ट्रिक भी बताई थी, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड बाणभट्ट कंपोज हर्ष चरित्र। तो देखो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र किस लैंग्वेज में कंपोज करी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज संस्कृत। ठीक है, तो देखो आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं सोशल स्टडीज से, जो कि यूटेट में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जो PYQ हैं। तो ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे।